हेलो, आज हम बनाएंगे वाटरमेलन का साग। तो ये है वाटरमेलन। उसके लिए हमको ये आगे से जो लाल लाल होता है वो हमने काट लिया है, पर अंदर ज़्यादा आप छिलके के भाग को निकाल दीजिए और उसके अंदर के भाग को रखिए। तो इस तरह से ये वाटरमेलन है, तो आप ये रेड पूरा निकाल दीजिए। पर और उसके बाद उसके लिए हम साग बनाएंगे, तो ये छिलका उसके पीछे का है वो आप निकाल दीजिए, और अंदर का वाइट जो है वो इस तरह से आपको छोटे छोटे पीसीस में काटना है। ज़्यादा छिलका भी नहीं चाहिए और ज़्यादा रेड भी नहीं, ऐसा छोटे छोटे पीसीस काट लें। और उसकी हम सब्जी बनाएंगे अभी। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, और तेल में आप डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ये जीरा जैसे आपका हो जाता है, थोड़ा ब्राउनीज हो जाता है, उसके बाद आप अंदर डाल दीजिए थोड़ी सी हींग। थोड़ी सी हींग डालनी है और हल्दी पाउडर हाफ स्पून जितना डालना है, और उसके अंदर ये वाटरमेलन आप डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए और उसको हिला के थोड़ा मिक्स कर लीजिए। और इसके लिए हमने ये थोड़ा सा गार्लिक लिया है, दो गार्लिक और दो चिली, तो आप वो भी अंदर ऐड कर लीजिए। आप वो भी अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से हिला के थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए आपके टेस्ट अनुसार। थोड़ा सा ज़्यादा कम आप उसको टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पक जाए। इसको आप धीमी आँच पे करीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकने दीजिए, और बीच में थोड़ा सा हिलाते रहिए। पानी कम लगे तो थोड़ा डालिए, क्योंकि ये छिलका चटने में थोड़ी सी देर लगेगी। तो ज़्यादा नीचे का भाग आपको नहीं लेना है, ग्रीन वाला निकाल देना है। और 5 मिनट अभी इसको हम धीमी आंच पे पकने देंगे। ये हमारा आज का साग, वाटरमेलन का साग रेडी हो गया है। तो इसमें आप बीच में 5 मिनट 6 मिनट तक आपको इसको पकने देना है, और बीच में थोड़ी बार देर के बाद आप इसको हिला के देख लीजिए। उसमें आप थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दीजिए, और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर 5 मिनट तक पकने दीजिए। और पकने के बाद थोड़ा सा हमने ये अंदर ग्रेवी रखा है, क्योंकि ये चपाती और राइस के साथ खाया जाता है, तो अच्छा लगता है। और जो हमने जब बनाया था साग, तब ये कच्चा था, ये पूरी तरह से पक गया है, तो ऐसा पकने दीजिए आप। और ये आपका साग तैयार है, तो आप इसको चपाती राइस के साथ खाइए, और बिना राइस चपाती के साथ भी आप बिना ऐसे ही खा सकते हैं। ये डिश वेरी टेस्टी और नाइस डिश है, आप इसको ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल डिश है, क्योंकि वाटरमेलन के छिलके में से सब्जी बनाई है हमने। तो आप ज़रूर बना के इसको टेस्ट कीजिए। थैंक यू।